मम्मा मैं जाऊं? प्लीज काम करने के लिए जाना है, प्लीज थोड़ी देर में आ जाऊंगा, गाड़ी लेके आता हूँ फिर चलते हैं कहीं। देखो ड्रामेबाजी करो ना, ड्रामेबाजी करो ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में? भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके भाई ने मतलब एक साल बाद ट्रैक सूट पहना यार, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं आई है लेकिन जज्बात में पहन लिया है, तो कैसा लग रहा है ये बताइएगा। और आज के व्लॉग के अंदर पता है क्या सीन है, आज के व्लॉग के अंदर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतने सारे कॉमेंट किए थे कि मुस्तफा भाई रेवो के आगे जो है ना प्रोटोकॉल एंटीना लगवा लें, तो आज हमारा माइंड बन गया है, हम रेवो को लेके जा रहे हैं। फाइनली पहली धुलाई रेवो की होने वाली है और इसके बाद इसके अंदर प्रोटोकॉल एंटीना भी इंस्टॉल कराते हैं और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर समझ आएंगी तो वो भी लगवा देंगे। आ जाएं व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार आपका भाई सोच रहा है कि प्रोटोकॉल एंटीना किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्या हुआ? जाने की जरूरत ही नहीं है, ये मिल गया। अबे ये कौन सा एंटीना है यार, ये तो ये झाड़ू ले आया उठा के यार, ये नहीं लगेगा यार। मतलब आज जो है ना इस गाड़ी की किस्मत ही खुलने वाली है, ये देखें आप, ये हालत हुई हुई है। मतलब एक महीने से जो है ना इस गाड़ी ने नहीं नहाया यार, आप सोचे कितनी ज्यादा हो गई है। और ये डाले के अंदर कुकिंग ऑयल जो है ना, बोल रहा है कि यार मेरे अंदर कुछ और तल लो लेकिन बस मुझे खत्म करो किसी तरीके से, मुझे यहाँ से हटाओ। तो आज जो है ना हम इसको बिल्कुल टिप टॉप कराते हैं इंशाल्लाह। जज्बात ने पहन तो लिया था ट्रैक सूट लेकिन साइकिल के ऊपर इतने रीटेक हुए ना कि मतलब हालत खराब हो गई, अब जो है ना इसको उतार के रख देते हैं, गर्मी होने लगी है। बासित भाई आपके मजबूत कंधों पे जो है ना अभी दो काम है, ठीक है जी। एक तो पहले आप गूगल करें कि भाई कहाँ से जो है ना हमें ये करीब से सामान मिल सकता है, ठीक है, और हम ये लगवा लें गाड़ी में। और दूसरा ये कि भूख लग रही है टाइट वाली, मैंने घर वालों को बोल दिया मैं खाना बाहर खाऊंगा, तो सही कुछ खापा शापा भी करना है। किधर जा रहे हैं भाई हम? करीमाबाद की तरफ, उल्टे हाथ पे। ओके ये देखो भाई, ये जो है ना गाड़ियों की सारी दुकानें आ गई हैं, सही है, और बाहर बंदे खड़े हैं। सेम प्लाजा वाला सीन है जो बाहर लोग खड़े होते हैं ना कि भाई जान आ जाओ क्या लगवाना है, वही सीन है ये। लेकिन हम जो है ना पहले प्रोटोकॉल एंटीना लगवाने के लिए आ गए, गाड़ी की सर्विस हम एक साथ करा लेंगे, मतलब बाद में करा लेंगे, ठीक है ना, पहले ये काम करवाते हैं। चले जी पार्किंग पे लगा दी, शीशे बंद कर दिए और अब हमने फाइनली गाड़ी भी बंद कर दी, ठीक है जी। अब चलते हैं और जरा कुछ रेवो की शॉपिंग करते हैं यार, हम तो करते रहते हैं, आज अपनी गाड़ी को भी शॉपिंग कराते हैं। पहुंच गए भाई जान यहाँ पे, ये बड़ी दुकान नजर आई है trims.bk, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ये बाहर तो जो है ना सीट कवर वगैरह का सारा मटेरियल नजर आ रहा है लेकिन सीट कवर हमने नहीं लगाने, ओरिजिनली सही है बिल्कुल ना। और ये जो है वो भाई जान हम लोग अंदर आ गए, ओए हो ये क्या, ठीक है। अबे नहीं भाई तुम फंसाने वाले काम कर रहे हो, मतलब अगर ये लगा दिया ना गाड़ी के ऊपर तो VIP सेटअप हो जाएगा और हमारा भी VIP सेटअप हो जाएगा। और देखिए हमारी गाड़ी के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा हुआ था जिसको हमने ग्रे करवा दिया था। यार क्या क्या लगवाऊँ मैं, तो ये सोच रहा हूँ ना, ये चेक करें, ये भी हम लगवा सकते हैं, ये छत के ऊपर लगती हैं लाइट्स। वैसे तो ये भी हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, ये भी मैट है, सही है ना, अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखें बड़ी वाली लाइटें भी लग जाती हैं, फुल ऑफ रोडिंग वाला सीन। और ये चेक करें आपके भाई की गाड़ी के अंदर जो है ना यही वाला लगा हुआ है, बिल्कुल यही वाला लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा और ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा है क्योंकि इसके अंदर ऊपर भी ये जंगला लगा हुआ है। अरे भाई लेकिन हम क्या लेने के लिए आए यहाँ पे? अरे वाकई जहन से निकल गया, मैंने बोला यार क्या लेने के लिए, वो प्रोटोकॉल एंटीना किधर है भाई? मतलब गाड़ी के अंदर कभी माइक्रोवेव ओवन देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ, ये देखें भाई ये बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन जैसा लग रहा है, ये पुरानी वाली स्क्रीन है यार। ये चेक करें, मतलब ये जो है ना फुल मर्सिडीज वाला माहौल बन जाएगा, मतलब आप इसके कलर वलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह मर्सिडीज में चेंज कर सकते हैं ना वो। क्या कहते हो, ये लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, आप लोग क्या बोलते हैं? चलें बहुत ज्यादा कमेंट आए ना तो हम ये भी लगा लेंगे, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, वोट करें। जिस तरह आप लोगों ने प्रोटोकॉल एंटीना का बोला आपका भाई आगे लगवाने, इसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर भी वोट करना है। मतलब रात के टाइम पे जो है ना फुल माहौल बन जाएगा गाड़ी के अंदर, अगर लंबा रोड ट्रिप चल रहा ओए होए फिर तो मजा आएगा यार। आपस की बात है, प्रोटोकॉल एंटीना एक चीज हो गई और दूसरी मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से जो है ना कोई छत वाली साइड पर लाइट लग जाए, ओए होए जब हम लोग एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे ना इतनी मजा करने वाली है ना ये लाइट, मतलब आगे फुल स्टेडियम वाली रोशनी हो जाएगी। ये टिश्यू बॉक्स है ना, वाओ घड़ी वगैरह, लेकिन हमारी गाड़ी में टिश्यू ही नहीं होता तो बॉक्स का क्या करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ ये जो है ना हम कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी को अगर नॉर्मल कपड़े से जब साफ करते हैं ना तो उससे उसको जो है ना नुकसान पहुँचता है, उसके कलर की लाइफ कम होती है। ये असली कपड़ा होता है जिससे गाड़ी को साफ करना चाहिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये भाई जैसे शॉप के पीछे वाले रास्ते से निकले ना यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी एक मस्जिद बनी हुई। और आज मौसम चेक करें यार, मतलब धूप नहीं है, जब धूप चली जाती है ना मतलब आह आपके भाई को मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे जो है ना किसी ने देसी मुर्गा भी रखा है, मुर्गा या मुर्गी है मुझे नहीं पता चल रहा, मुर्गी लग रही है वैसे। और यहाँ पे देखें ये देसी चूज़े, ये देखें भाई कैसे हो भाई। अच्छा ये भाई जो है ना अब हमको दिखा रहे हैं कि ये लाइटें कैसी लगेंगी अगर आप लगवाते हैं तो। वाह यार ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया, मतलब ये किधर लगेंगी लाइटें? अच्छा अच्छा ओके सही, ये आ गया है भाईजान हमारा प्रोटोकॉल एंटीना, सही है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला था और सबसे जो इसके अंदर एक इसके अंदर पतला वाला भी आता है, एक इसके अंदर मोटा वाला भी आता है, तो हमने मोटा वाला ले लिया है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अब इसको ज़रा लगाते हैं और देखते हैं कि फिर ये क्या लुक दे रहा है।
जो है ना, ये लोग ड्रिल मशीन वगैरह ले आए हैं क्योंकि इसके अंदर सुराग होगा, मतलब ये जो हमारा बुल बार लगा हुआ है ना, इसके अंदर सुराग होगा। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इसके अंदर सुराग था, सही है ना, इसको बाद में फिल किया गया है, तो ये चेक कर लेंगे इसको। हुआ हुआ था ना सुराग, फिल किया था ना ये। हाँ देखें, इसको जैसे ड्रिल मशीन रखी है ना, फौरन अंदर गया, मतलब ये भराई हुई हुई थी। बहुत सिंपल है यार, मतलब आपने एक सुराग किया, नीचे से आपने इसका नट बोल्ट फंसाया और इसको ऊपर से घुमा दिया, बस डन हो गया भजन। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह लग गया है भाई प्रोटोकॉल एंटीना। यार लेकिन इसको प्रोटोकॉल एंटीना क्यों बोल रहे हैं, सूट नहीं कर रहा ये नाम। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम आप रखते हैं VIP स्टिक या VIP डंडा, सही है ना, ये लगेगा सही। लेकिन अभी जो है ना, ये अपना असल लुक नहीं दे रहा है क्योंकि गाड़ी इतनी गंदी हुई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जब गाड़ी वाड़ी धुलवाएंगे ना और ये भी लाइटें शाइटें लग जाएंगी ना, फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। यार मतलब आपका भाई सोच रहा है कि ये डंडा बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया, मतलब यूं करके देखना पड़ रहा है इसको, तो ये देखें, ये हमने दूसरे साइज का मंगवा लिया इसका। यार ये सही है दोस्त, ये वाला सही है, सही है ना, ये वाला लगवा दें। हाँ यार ये बहुत ऊपर है यार, मतलब बुर्ज खलीफा के बराबर चला गया ये। जो है ना अंदर आके बैठ गए हम लोग ऑफिस के अंदर, ठीक है, क्योंकि बाहर खड़े खड़े थक गए थे। अभी जो है ना वो लोग एंटीना भी चेंज कर रहे हैं और वो लाइटें शाइटें भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग बाहर जाएंगे, जब तक थोड़ी देर आराम करते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा हो ना और अगर आप आइडल बैठे हो ना, मतलब करने को कुछ भी नहीं और ऐसे आरामदेह जगह मिल जाए, ऐसी नींद आती कोई टाइट वाली कि क्या बताऊं मैं। यार नींद आ रही थी लेकिन भूख इतनी लग रही है, भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही, तो हमने बोला कि भजन थोड़ी देर के लिए कोई बाइक शाइक दे दें ताकि हम कुछ खापा छापा करके आए। तो इन्होंने जो है ना भाई 125 दे दी अपनी, ठीक है, और 125 के ऊपर देखें ये आंखें भी बंद की हुई हैं इसकी। 125 की किक पता कितनी ऊपर होती है, देखो यहाँ तक पाँव उठा के मारनी पड़ती है। चलें जी। ओए होए यार 125 जो है ना हाइट में बहुत छोटी है यार, मतलब मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस नीचे अब्दुल कबीर की साइकिल पे बैठा हूँ। 150 का एक अलग लेवल है, वो ऊंची है यार। 2 hours later हाँ जानी, कितनी देर का काम रहता है? 15-20 मिनट का। अच्छा, और भाई गाड़ी का जो है ना गला भी खुश्क हुआ था, इसके अंदर जो है ना हमने इसको पानी भी पिला दिया। इतने कनेक्शन डाले, इतने तार डाले, मुझे लग रहा है पूरे इलाके की बिजली जो है ना यहीं से मेरी बैटरी से ही जाएगी। गाड़ी की यहाँ से एंट्री होने वाली है, ये चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है ना। हमने देखे वो छोटा वाला जो है ना एंटीना लगा दिया, VIP एंटीना, और लाइटें भी इंस्टॉल हो गई हैं, और अभी जो है ना यहाँ पे गाड़ी की धुलाई होने वाली है यहाँ पे। ये देखें भाई गाड़ी का जो है ना शावर टाइम हो गया है, कितने दिन बाद, मतलब तकरीबन महीने के बाद जो है ना गाड़ी धुल रही है। और यहाँ पे तो भाई बच्चों की पूरी फौज जमा हो गई है। कैसे हो भाई आप लोग, ठीक हो? ओए होए बच्चे खुश हो गए यार, देखें बेहतरीन हो गया है, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। चलें गुड, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई, ठीक हो? ओए होए कितनी गंदगी निकल रही है यार भाई। शाम के 7 बज गए हैं, मतलब दिन से रात हो गया, और अभी जाके फाइनली हमारी गाड़ी का काम कंप्लीट हुआ है। अब मैं जो है ना आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ किधर है भाई। ये हमने जो है ना लाइट ऑन कर दी, ये ऑन कर दी, और ये हमने इसका अलग से बटन लगा दिया, ये ऑन कर दिया, और हैजर्ड भी ऑन कर दिया, ठीक है। तैयार हो जाएं आप गाड़ी का फ्रंट चेक करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, यहाँ तो लाइट ही लाइट हो गई है माशाल्लाह यार। अब जो है ना एडवेंचर करने में और मज़ा आएगा भाई। अंदर से कैसा फील आ रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना डंडा भी हमें नजर आता रहेगा, और जितने भी हम लोग इस तरह आपको कैमरे में व्यू दिखाएंगे इन सब में ये डंडा भी नजर आएगा, ठीक है। और लाइट भी देखें, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि भाईजान बस स्टेडियम की जो है ना बड़ी बड़ी लाइटें ऑन हो गई हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले हम लोग जब रोड ट्रिप पे थे, बासित भाई भी हमारे साथ थे और वकास भाई हमारे साथ थे, और जो है ना फॉग ने हम पर अटैक कर दिया था, और ऐसी हालत हो गई थी कि हमें रात जो है ना एक सड़क के किनारे एक छोटे से होटल में गुजारनी पड़ी थी। तो अब जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइटें शायद फॉग में भी हेल्प करेंगी। अच्छा, और मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमने ऑफ रोडिंग की लाइट लगाई है ना, ये मतलब सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं है, इसमें इंडिकेटर लाइट भी। अब देखें, मैंने सीधे हाथ का इंडिकेटर दिया हुआ है ना, ये देखें, ये राइट साइड वाली जल रही है और ये अब लेफ्ट साइड वाली जल गई, तो मतलब फुल शशके हैं। अब चेक करें, ये देखें भाई बारिश के कतरे आपको जो है ना इस लाइट के अंदर नजर आ रहे हैं। आहा, ये देखें भाई फुल माहौल बन चुका है भाई बारिश वाला। अरे भाई मतलब ये तो पहला एडवेंचर हो गया, मतलब बारिश बिल्कुल तेज हो गई है यार। ये चेक करें यार, मतलब आप लोग बड़ा मजा आ रहा है यार, मतलब दिल कर रहा है कि अभी किसी तरीके से यहाँ पे कोई आके हमको एक प्लेट पकोड़े की जो है ना दे के चला जाए बस। ओए होए होए, और हम ये व्यू एंजॉय करते रहे। भैया आपका क्या दिल चाह रहा खाने का? बारबेक्यू। देखिए भाई, इनके लिए एक प्लेट बारबेक्यू की और मेरे लिए एक प्लेट पकोड़े की। आप में से मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई भी आ जाए, बस मैं यहाँ खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ। जब बारिश भी कितनी प्यारी लगती ना, देखें यार क्या मतलब आसमान से जो है ना पानी आ रहा होता है। आए हाय हाय, व्यू चेक करें आप यार। भाई पकोड़े तो नहीं मिले लेकिन फ्रेंच फ्राइज वाला जरूर मिल गया है। फ्रेंच फ्राइज खा के मजे लेते हैं बारिश के। चलें जी, अब जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो अभी जो है ना हम लोग वॉक करने के लिए आ गए, ठीक है। थोड़ी देर वॉक शॉक करते हैं, बारिश के मजे लेते हैं, इसके बाद निकल जाएंगे घर पे। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और गाड़ी का जो काम कराया, जो लाइटें शाइटें लगाई और जो एंटीना लगाया, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। भाई का चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।